वर्क ऑफ अ डिटरमाइनर। आज के वीडियो का टॉपिक यही है। वैसे डिटरमाइनर पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें इसके बारे में कई सारी चीज़ें मैंने बताई है, जैसे डिटरमाइनर क्या है, इसे कहाँ यूज़ किया जाता है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप भी अगर इंटरेस्टेड हो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ऊपर फ्लैश हो रहा है आई बटन पर क्लिक कीजिए। वैसे आज के वीडियो का टॉपिक भी सेम है लेकिन इन्फॉर्मेशन सेम नहीं है, क्योंकि आज मैं इसके वर्कस्पेस को डिस्कस करने वाली हूँ, यानी ये क्या काम करता है। तो है ना आज का वीडियो नॉलेजिबल, देन व्हाई लेट लेट स्टार्ट। बट बिफोर इट यू हैव टू नो माय नेम। हेलो, माय नेम इज सुब्लक्ष्मी गोस्वामी एंड वेलकम टू माय चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट। अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन फॉर यू, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को क्लिक करना मत भूलेगा, वरना नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। एक सेंटेंस में डिटरमाइनर्स के क्या फंक्शंस है, इसे जानने से पहले ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से नाउन के साथ डिटरमाइनर्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे गर्ल, बॉय, मैंगो, बुक, पेन एट्सेट्रा। प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे टेबल्स, बॉक्सेस, ट्रीज, हाउसेस एट्सेट्रा। मैस नाउन, जस्ट लाइक शुगर, राइस, ऑयल, फ्लावर एट्सेट्रा। इन सब के साथ डिटरमाइनर्स का यूज़ होता है। जैसे दिस पेन, दोज पेन्स, द म्यूज़िक बाय नौशाद। डिटरमाइनर्स के यूज़ करने से एक व्यक्ति या वस्तु या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु की पहचान हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दीज बुक्स, माई ब्रदर्स कार, दैट पेन एट्सेट्रा। मोरोवर, डिटरमाइनर्स के यूज़ करने से नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर्स का भी सेंस हमें मिलता है, जैसे अ फ्यू मैन, नॉट मच वाटर एट्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दिस, डिटरमाइनर्स के यूज़ करने से किसी भी सेंटेंस में वर्ब या नाउन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे दोनों सेंटेंसेस को देखिए, कैटल ग्रेज इन फील्ड, द कैटल ग्रेज इन द फील्ड। सेंटेंस ए में ये क्लियर नहीं हो पाती है कि कैटल और फील्ड नाउन है और ग्रेज वर्ब है, जबकि सेंटेंस बी में कैटल और फील्ड के पहले डिटरमाइनर द का यूज़ किया गया है, जिसके वजह से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैटल और फील्ड यहाँ नाउन है और ग्रेस वर्ब है। तो ये थे डिटरमाइनर्स के वर्कस्पेस। आई होप कि आपको भी लगा होगा कि आज का वीडियो नॉलेजिबल था। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।